मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के। हमने ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को, 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपये। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले बीआरएस कुमार स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को? जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, आप दो उनको भी दो, मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि ओवैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों से खारी डीबीटी, और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1.1 लाख 70 हजार करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो, और 1-1, 10-10 लाख रुपये उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो मुसलमानों में, दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है, मगर हम पे इल्जाम लगा देते इन उनसे मिले हैं, इन उनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं, तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं छोटे की खिलाता हूं, छोटे की पसंद नहीं तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ कर डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है, मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं, तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए। अरे क्यों बोले आप? अरे क्यों नहीं बोलूं? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, डेटा दे रहा हूं। माहिरीन को बिठाकर, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान हो, प्रोफेसर शाबान साहब हो, उनको बिठाकर लोग बना कर दिए कि ये दो, मगर आप सुनने तैयार नहीं। 2200 करोड़ का यकीनन बजट है माइनॉरिटीज का, उसमें से 1600-1700 करोड़ स्कूलों में चले जाते, 400-500 करोड़ उसका ऑफिसेस का खर्चा है। अच्छा, वो स्कूलों को आपने ग्रेजुएट डिग्री तक लेकर चले गए, वो 1600 पोस्ट तो फिल करो। गाड़ी की स्कीम का क्या हुआ बताओ मेरे को? उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। बीजेपी बोलती पाता बस्ती, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ओएसी के हाथ में स्टेयरिंग है,